इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी एक पॉलिनोमियल को जो है प्लॉट करें तो उसके जीरोस ग्राफ पर कहाँ लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तीन ग्राफ्स, एक लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक को प्लॉट करूंगी और इसमें हम ये देखेंगे कि उसके जीरोस एग्जैक्टली कहाँ लाई कर रहे हैं। इस वीडियो में हम एक लीनियर इक्वेशन दैट इज वाई इज इक्वल टू 2x+2 को इस ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। इसके लिए हम x की कुछ वैल्यूज़ एज्यूम कर लेंगे और उसके लिए करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं x की वैल्यू -2 ले लूँ तो y की वैल्यू हो जाएगी -4+2=-2। तो मैं इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स ले लूँगी और फिर इन पॉइंट्स को इस ग्राफ पर प्लॉट करूँगी। अब जब मैंने इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो आप देख सकते हैं कि मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। अगर मैं इस पॉइंट को ध्यान से देखूं तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 0 हो रही है, हेंस हमारा ये पॉइंट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। हम ये जानते हैं कि x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 होती है, हेंस ग्राफ का एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन हमेशा हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देता है। अब लीनियर इक्वेशन के लिए आप देख सकते हैं कि हमारा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार काट सकता है, हेंस लीनियर इक्वेशन का हमेशा सिर्फ एक ही जीरो होगा। इस वीडियो में मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन y=x²-2x-3 को जो है इस ग्राफ पे प्लॉट करूंगी। अगेन इसके लिए मैं x की कुछ वैल्यूज़ के लिए करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ कैलकुलेट करूंगी और उन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करूंगी। अब जब मैंने इन सारे पॉइंट्स को जो है जॉइन किया तो मुझे एक कर्व मिल रहा है जो एक बार टर्न कर रहा है, हेंस ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे काट रहा है। इन दोनों पॉइंट्स पे दैट इज x=-1 and x=3 पे वाई की वैल्यू 0 हो रही है, हेंस ये दोनों पॉइंट्स जो कि इस ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन है, ये हमें जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल दे रहे हैं। जब हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को प्लॉट किया तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिला जिसे हम पैराबोला कहते हैं। अब हम इस पैराबोला के बारे में थोड़ा और पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि ax² + bx + c के फॉर्म में हो, इसमें x² का कोएफिशिएंट दैट इज a अगर ग्रेटर देन 0 हो तो हमारा ये कर्व दैट इज पैराबोला हमेशा ऊपर की ओर खुलता है और इसे हम अपवर्ड पैराबोला कहते हैं। और इसी जगह अगर हमारा a लेस देन 0 हो जाए दैट इज नेगेटिव हो जाए तो हमारा पैराबोला नीचे की ओर खुलेगा, दैट इज इसे हम डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं। अब हम जो है इन पैराबोला के जो जीरोस आ रहे हैं इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन देखें तो हम उसके ज़ीरो के बारे में बता सकते हैं। तो पहले केस में मैंने उस तरह के पैराबोला बनाए हैं जो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे काट रहा है। अगर ये दो पॉइंट्स पे काट रहे हैं इसका मतलब ये है कि इस तरह के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोज होंगे। अब कोई पैराबोला ऐसा भी हो सकता है जो कि एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। अब इन तरह के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का सिर्फ
एक ही जीरो होता है। एक और केस हमारे पास हो सकता है जहाँ पे पैराबोला एक्स एक्सिस के कम्प्लीटली ऊपर हो या फिर वो एक्स एक्सिस के कम्प्लीटली नीचे हो, दैट इज ये एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा, हेंस इस तरह के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक भी जीरो नहीं होंगे। हेंस हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम दो जीरोज़ हो सकते हैं, उसके दो से कम जीरोस हो सकते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा जीरो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पॉसिबल नहीं है।